हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सॉरी, वर्खानों ब्लॉग लेने आई है मैं। तो आज शाम को मैं घूम रहा हूँ अपने खेतों में। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन सूर्य अभी भी आधे आसमान पर टिका हुआ है और यहाँ की जो कनक है बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड यहाँ का नेचर इज़ ब्यूटीफुल एंड आई एम गोइंग टू घास लेने। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने घास से खेत में घास लेने। तो मुझे लगता है कि मेरे खेत में कोई चोरी चुपके से घास काट रहा है, तो अभी जाके उसे पकड़ता हूँ। वो सामने मेरा खेत है। तो शाम का नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रुको 2 मिनट, मैं जाता हूँ अभी, देखता हूँ कौन लगा हुआ चोरी हमारे खेतों में कोई घास काट रहा है। आपको पता है हमने भी गाय रखी हुई है, तो जरूरत होती है हमें भी, लेकिन चोरी कोई काट रहा है। अभी जाता हूँ तो देखता हूँ कौन काट रहा है घास, देखता हूँ, रिमांडर लगा देता हूँ। तो गाइस, जब तक मैं घास वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, तब से जो घास काट रहे थे चोरी चुपके से, वो गायब हो चुके थे और मुझे भारी नुकसान हुआ। आज अब मैं जा रहा हूँ थाने, केस कराऊंगा जाके। तो फिर मुझे थाने जाना पड़ेगा, उसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, FIR दर्ज करानी पड़ेगी। तो उसके लिए 500 रुपये दूंगा, फिर उसके बाद 2-3 साल केस लड़ूंगा, इतने पैसे खर्च करूंगा। इससे अच्छा होगा कि मैं थाने ही नहीं जाऊं, FIR दर्ज ही नहीं कराऊं, इस दुख को यहीं पे भूल जाता हूं। लोग तो भाग चुके हैं, मैं केस भी कर सकता था, लेकिन छोड़ो, अब कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं पीछे, शाम का मौसम इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कनक इज़ वेरी सुनहरी एंड माई फेस इज़ चिकना। मेरा फेस भी चिकनाहट से भरपूर लग रहा है, सूरज की सीधी रोशनी मेरे मुंह पे पड़ रही है। सो अभी मेरे को कनक ही काटनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि गाय रखी हुई है, तो गाय से दूध भी लेना होता है, तो उसके लिए उसे कुछ घास भी डालना पड़ता है। उसके लिए मुझे अभी कनक ही काटनी पड़ेगी। जो दूसरा घास होता है वो तो ले गए हैं, मतलब काट के लोग, तो कोई बात नहीं, अब मैं कनक ही काटता हूँ। थोड़ा बहुत ही था बचा हुआ, कनक काटनी पड़ेगी और फिर गाय को देंगे घर जाके। सो गाइज, जब तक मैं घास काट लेता हूँ, तब तक आप लाइक शेयर कमेंट करो। सो गाइज, मैंने घास काट लिया है एंड अब मैं जा रहा हूँ घर को। सो कनक की बहुत कैंट लग रही है, कनक का कलर इज़ सो ब्यूटीफुल एंड आई एम गोइंग टू होम फ्यू मिनट लेटर। सो गाइज, अभी मैं घर पे हूँ, तो मतलब ये है बरसीन, इधर उधर देख सकते हैं आप, ये बरसीन काटना पड़ेगा मेरे को। ये है गाय, वो जिसके लिए घास काटने गया था मैं, और अभी यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा कम हुआ घास, इसलिए यहाँ इधर भी काटना पड़ेगा मेरे को घास। तो मैं शुरू करता हूँ, आप गाइस, यहाँ पे घास हो चुका है थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा हो चुका है, ये उठाना पड़ेगा अभी। तो गाइस, हमने इसको घास डाल दिया है, तो बाकी जो घास बचे है वो हम इसको डालेंगे शाम को, इसका पहले दूध निकालेंगे उसके बाद। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।